कैसे हैं आप सब लोग जी, ठीक ठाक हैं जी? माशाल्लाह जी, 5-6 दिन हो गए, इतनी ज़्यादा खुश्क सर्दी है। आज कुछ मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर था, धूप वाला मौसम था, तो मैंने फारूक कज़न को बुला लिया था कि आ जाए कज़न, आज तो विज़िट करते हैं, थोड़ा देहातों में विज़िट करें, देखें सर्दियों में लोग जो है काम काज कर रहे हैं। ये हम देख रहे हैं सारे लोग जो देहातों में बाहर निकले हुए हैं। अभी हम नंद्रिया सिंध की एक शाख जो हमारे गांव के साथ बहती है उसके साथ मौजूद है। यहाँ पे आप लोग खूबसूरत से सीन दिखाते हैं। यहाँ पे जी देसी जुगाड़ से जो है दरिया की मदद से यहाँ पे पाइप डाला गया, उसकी मदद से पानी को खींचा जा रहा है ट्यूबवेल की मदद से। और यहाँ पे आप लोग सीन देख सकते हैं जो है इधर गंदम को पानी लग रहा है। अभी आप लोगों को मैं बता रहा गंदम को चौथा पानी जो है किसान लगा रहे हैं। ये आप लोग सारा देख रहे हैं, घना घना जंगल है माशाल्लाह। पानी का देसी जुगाड़ से ये सेटअप लगा है, ये पूरा दरिया बहता है हमारे गांव के साथ। वो आप लोग बस्तियां देख सकते हैं माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत सी बस्तियां हैं ये देखें। यहाँ पे गर्ल्स स्कूल है और माशाल्लाह जी कैसा सीन लग रहा है आप लोगों को इस साइड में, कितना खूबसूरत ये पानी निकल रहा है दरिया की मदद से जो है, पाइप डाला हुआ है किसानों ने, इस साइड में पानी लगा रहे हैं माशाल्लाह। आगे जी चलते हैं आप लोगों को सीन दिखाते हैं जी। नहीं नहीं रोटी गाड़ है, इधर देख इधर यहाँ पे जी मीर खर के पकौड़े बड़े मशहूर हैं, तो हम जब भी यहाँ पे विजिट के लिए आते हैं तो लाजमी यहाँ से लेते हैं। तो अच्छे हैं पकौड़े हैं? रेता सिटी में हाँ गिनी ओए हाय हाय, ये देख सकते हैं आप लोग पकोड़े गर्मा गर्म यहाँ पे हम बैठ के खाते हैं। वो सामने मीर खा रहा है, ये उसके साथ दरिया बहता है, वो सामने उस साइड पे आप लोग पुल देख सकते हैं, पुल के साथ ही तो ये पूरा इधर दरिया है। इस साइड पे आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे पूरे रेत के टीले निकले हुए हैं, पानी बिल्कुल ही कम हो गया। उस साइड पे आप लोग देख सकते हैं अभी हम यहीं पे बैठकर पकोड़े खाते हैं, मज़े मज़े के बड़े ज़बरदस्त पकोड़े। अगर आप लोग तोसा के इर्द गिर्द से मुझे देख रहे हैं तो मीर खर लाजमी है, और एक बार पकौड़े लाजमी खा कर देखें, फिर बताइएगा मुझे कमेंट में। ठीक है जी, आए जी बैठते हैं, मज़े लेते हैं फिर। ओए होए 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, साथ में रेता भी है बड़े मज़े का जी। इधर रखो मेरे मुंह से पानी है। आओ व्यूअर्स बिस्मिल्लाह, कवे जो है हमारे साथ आके बैठ गए, ये भूखे। इधर छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए हैं तो मैं डालता हूँ, ये देखे वो खा रहे हैं। आओ जी आओ आओ आओ, ये इधर बचे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे पहले भी टूरिस्ट जो लोग होते हैं यहाँ पे आते होंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें वगैरह डालते होंगे, ये कवे इस वजह से यहाँ पे ट्रेन हो गए हैं। बस कवे अब खाली हो गया है, ये खाली ओ एक दो है टुकड़े इसमें, अगर जिसने ये शापर उठा लिया वो उसका हो गया। ये लो उठाओ उठाओ उठाओ, जिसने उठाना है। कवे आप क्यों उधर बैठे हो, आ जाओ जल्दी, चटनी खानी है? है कवे, किसी ने चटनी खानी है तो ये देखे, ये इतनी बच गई है, है बड़ी खट्टी, बड़ी खट्टी है, स्पेसी वाली चटनी है, जिसने खानी है ना वो शाम को बिर झूले लाल झूले लाल। मेरा दिल कर रहा है मैं चटनी को पी लेता, मगर मेरा वैसे 2-3 दिन से जो है नज़ला था, गला ख़राब है, सो इस वजह से ये चटनी बच गई है। पकौड़ों के साथ जितनी खाई है खाई है, बाकी बच गई है। ठीक है जी, अब हम घर को जा रहे हैं तो शाम हो जाएगी, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है,
अच्छा आप लोग स्टे कहाँ करते हो? अभी तो ये शाम होने वाली है, इधर कहाँ पे रहते हो? कोई दरख्त वगैरह? आप लोग इतने जल्दी सफ़र कर जाओगे? इतने बड़े बड़े पता नहीं कहाँ घने घने दरख्त हैं, आप लोग जा बैठोगे तो वो? जी ठीक है जी, बाय बाय सारे, ओके अल्लाह हाफिज़। ये जो बाग है ना, ये उस साइड पे पानी गहरा है, और जो है ये जो इस साइड पे है पानी बहुत कम होता है। जो मछली के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो फिर इधर आ जाते हैं छोटे पानी में, बड़े पानी में नहीं जाते। वहाँ पे बड़ी मछली होती है, उनको खाती है, वो डर से इधर आ जाते हैं। इधर ये बैठे हैं बाघ अपना पेट भरने के लिए। तो ये देखे कैसे पकड़ पकड़ रहे हैं, बैठे हैं अपनी तरतीब में। अब सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है, सूखे हुए हैं बाघ भी। ये कौवा इधर पानी पी रहा है। आगे एक बस्ती है, घने घने खजूर के दरख्त हैं दरिया के साथ। यहाँ पे सामने बस्ती मीर खर है। हाय हाय हाय, बड़ी सर्दी है यार, बड़ी बड़ी सर्दी है, बड़ी सर्दी है, हाय हाय हाय, बड़ी सर्दी है गधे। अब जो है सूरज गरूब हो गया है, बस घर को वापसी करते हैं। सर्दी भी ज़्यादा हो रही है, तो मुझे लगता है बर्फबारी ना हो 2-3 दिन तक, 2 दिन तक आगे वाले जो 2-3 दिन, 1 हफ्ता है। टेम्परेचर काफ़ी लो होता जा रहा है, रिवर्स है देहातों में। कुत्ते देहातों में कुत्ते, बस शाम को ज्यादा शाम हो रही होती है, उनकी भौंक शुरू हो जाती है। चोर जो होते हैं दूर से समझ जाते हैं, यहाँ पे नहीं जाना, कुत्तू घर आ जाए यहाँ पे। अच्छा जी, ब्लॉग का इंतजाम करते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो यार मेहरबानी क्या करें, तो आप लोग के पैसे तो नहीं लगते यार, ऐसे ठोक दिया करें सब्सक्राइब वाला बटन को, साथ जो उसके टंगड़ी खड़ी है टंगड़ी, उसको भी ठोक दिया करें, तो मेरी हौसला अफजाई होगी। तो आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे व्लॉग भी शेयर करता रहूँगा। ठीक है जी, अल्लाह सुनहरे अमान।